हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर में कैसे ओपन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, यहां पर बहुत से लोग हैं, खास करके नए यूट्यूबर, उनको ये नहीं पता होता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर में कैसे ओपन करें, और फ्रेंड्स वो इस कारण से अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर में ओपन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं फ्रेंड्स, आप अपने क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब चैनल को कैसे ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक फुल वॉच करना है। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूं फ्रेंड्स, आप अपने YouTube चैनल को क्रोम ब्राउजर में कैसे ओपन कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपल सा अपने फोन में यहां पर क्रोम ब्राउजर में जाना है फ्रेंड्स। यहां पर आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और फ्रेंड्स क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इसको यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसको यहां पर डेस्कटॉप साइट पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहां पर डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे, अब दोस्तों यहां पर आपको सर्च वाला आइकन पर क्लिक करना है, और सर्च बार में आपको यहां पर youtube.com आपको यहां पर लिखकर सर्च करना है। दोस्तों यहां पर आपको youtube.com लिखकर आपको यहां पर सर्च करना है। जैसे यहां पर आप youtube.com लिखकर सर्च करेंगे, अब दोस्तों यहां पर आपका जो YouTube चैनल फ्रेंड्स क्रोम ब्राउजर में यहां पर आपका डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। यानी कि जैसा पीसी में ओपन होता है फ्रेंड्स, वैसा आपका यहां पर YouTube का पेज यहां पर कुछ आपका डेस्कटॉप के जैसा यहां पर उसका पेज यहां पर अभी ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप अपने चैनल को यहां पर आप पीसी के जैसा यहां उसके पेज को आप यहां पर कुछ ऐसा यहां पर ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसको ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहां पर अपने YouTube चैनल को कैसे ओपन करना है, उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहां पर थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। आपको यहां पर अपने प्रोफाइल का आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों, अगर आप यहां पर पहली बार आएंगे दोस्तों, यहां पर वो साइन इन करने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों आप मतलब जिस ईमेल आईडी से फ्रेंड्स आप अपने चैनल को बनाया है फ्रेंड्स, आपका जो चैनल है फ्रेंड्स, आप उसको मतलब यहां से साइन इन करके, अब दोस्तों जैसे उसको साइन इन कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सिंपल सा अपने चैनल के प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा यहां पर इंटरफेस शो हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको सबसे फर्स्ट में योर चैनल का यहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। दोस्तों आपको यहां पर योर चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां पर जो आपका YouTube चैनल फ्रेंड्स वो यहां पर क्रोम ब्राउजर में कुछ ऐसा यहां पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा यहां पर जो YouTube चैनल है यहां पर ये ओपन हो चुका है। दोस्तों अब यहां से आप मतलब अपने सारे वीडियोज को फ्रेंड्स यहां पर ये देखिए, अभी ये YouTube का यहां पर कुछ ऐसा यहां पर वीडियो शो होते हैं फ्रेंड्स। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा यहां पर जो YouTube चैनल फ्रेंड्स यहां पर ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहां पर आप मैनेज वीडियो पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप अपने वीडियोज को यहां से मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप यहां पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करके दोस्तों यहां से आप अपने चैनल को कस्टमाइज भी कर सकते हो। दोस्तों जैसे वहां पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप कस्टमाइज चैनल पर, उसके बाद दोस्तों आपका यहां पर जो चैनल है फ्रेंड्स यहां पर एक कस्टमाइज करने के लिए आपका वहां पर सेटिंग्स सारा कुछ आपके यहां पर क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर आप अपने चैनल जो भी कस्टमाइजेशन यहां से आप जो भी उसमें सेटिंग करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर सारा कुछ आप यहां से इसको कर सकते हो। दोस्तों कुछ ऐसा यहां पर आपके चैनल का कस्टमाइज करने के लिए यहां पर ऑप्शन आएगा आ जाएगा। दोस्तों यहां से आप अपने चैनल के यहां पर आप अपने ट्रेलर को भी यहां पर अपने चैनल के होम पेज में लगा सकते हो। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कुछ वीडियोस को फ्रेंड्स आप जो भी वहां पर लगाना चाहोगे फ्रेंड्स आप फर्स्ट में वहां पर लगा सकते हो। फ्रेंड्स यहां से आप अपने ब्रांडिंग को फ्रेंड्स यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो मतलब जो भी आपका लोगो होता है फ्रेंड्स, आपके चैनल का जो बैनर होता है उसको दोस्तों यहां पर आप अपने वीडियो में जो भी उसका लोगो होता है फ्रेंड्स उसको आप यहां से उसको कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स यहां पर आप अपने डिस्क्रिप्शन में यहां पर अपने अदर चैनल का जो भी सोशल मीडिया का लिंक है फ्रेंड्स आप उसको यहां से आप इसको दे सकते हो फ्रेंड्स। और दोस्तों यहां पर आप जो भी करना है फ्रेंड्स आप यहां पर मेल को भी दे सकते हो, ईमेल आईडी को। उसके बाद दोस्तों यहां पर डैशबोर्ड पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप यहां से अपने चैनल के डैशबोर्ड को यहां पर आप इसको ओपन कर सकते हो, और यहां से आप इसको कुछ यहां से कस्टमाइज इसको कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर उसके नीचे आपको यहां पर अपने चैनल के कंटेंट को भी फ्रेंड्स आप यहां से इसको देख सकते हो। यहां पर आपको अपने चैनल के कंटेंट पर क्लिक करके दोस्तों यहां से आप अपने चैनल के जो भी कंटेंट होता है फ्रेंड्स आप उसको यहां से आप इसको देख सकते हो। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो आपके चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है फ्रेंड्स यहां पर आपका सारा वीडियो शो हो जाएगा। दोस्तों आप उसको यहां से कस्टमाइज कर सकते हो। उसके नीचे आपका यहां पर जो प्लेलिस्ट होता है फ्रेंड्स आपके चैनल पर जो भी आप प्लेलिस्ट बनाए होंगे फ्रेंड्स वो भी यहां पर शो हो जाएगा, और फ्रेंड्स उसका जो भी होता है फ्रेंड्स वो यहां पर विजिबिलिटी जो भी होता है फ्रेंड्स वो यहां पर आपका सारा कुछ यहां पर दिख जाएगा दोस्तों। और दोस्तों उसके नीचे यहां पर आपको जो एनालिटिक्स जो होता है फ्रेंड्स आपके चैनल का वो यहां पर आपका सारा कुछ यहां पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहां पर अभी शो हो जाएगा फ्रेंड्स यहां पर। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे मतलब आप अपने चैनल के टोटल जो भी मतलब कस्टमाइज होता है फ्रेंड्स वो आप यहां से इसको कर सकते हो। उसके नीचे यहां पर आप मतलब मींस एक-एक करके फ्रेंड्स आप यहां से कमेंट को भी पढ़ सकते हो दोस्तों यहां से।
और दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने चैनल के मोनेटाइजेशन को भी यहाँ से आप इसको देख सकते हो फ्रेंड्स, आपके चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है। यहाँ पर अभी देखिए हमारा चैनल मोनेटाइज है, इस कारण से अभी इसका कुछ ऐसा यहाँ पर अपडेट तो हो रहा है। नहीं तो दोस्तों अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसका जो भी क्राइटेरिया होता है यानी कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम वो यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए पहले बोलता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है और उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा फ्रेंड्स, आपका भी जो यूट्यूब का यहाँ पर मोनेटाइजेशन वाला पेज है फ्रेंड्स, वो ऐसा कुछ शो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपका मोनेटाइज नहीं हुआ तो फ्रेंड्स आपका कुछ ऐसा वहाँ पर शो नहीं होगा, मतलब वहाँ पर आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वहाँ पर क्राइटेरिया का वहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप मतलब नीचे यहाँ से आप और भी बहुत कुछ यहाँ से आप इसको कर सकते हो। यहाँ से आप अपने चैनल के कस्टमाइजेशन को यहाँ पर भी इसको आप चेक कर सकते हो जो भी आपका चैनल का, और उसके नीचे आपको यहाँ से अपने चैनल के लिए म्यूजिक को भी फ्रेंड्स आप यहाँ से जो भी नो कॉपीराइट म्यूजिक होती है फ्रेंड्स यहाँ से आप यूट्यूब के लाइब्रेरी से फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको ले सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ से आपको यूट्यूब के लाइब्रेरी ऑडियो लाइब्रेरी पर क्लिक करना है, और ऑडियो लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आप यूट्यूब से मतलब नो कॉपीराइट म्यूजिक को भी फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको लेकर फ्रेंड्स आप अपने वीडियोज में यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी यहाँ पर आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पर खुद यूट्यूब के स्टूडियो में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ से आप इसको ऑडियो लाइब्रेरी को फ्रेंड्स यहाँ से आप मतलब जिस भी म्यूजिक को फ्रेंड्स आप लेना चाहेंगे दोस्तों यहाँ से आप लेकर अपने वीडियोज में यूज कर सकते हो। और भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मतलब अपने आपके चैनल का जो भी सेटिंग्स है फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर आपका शो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने चैनल को क्रोम ब्राउजर में फ्रेंड्स आप इस तरह से ओपन कर सकते हो, और फ्रेंड्स आप अपने चैनल का जो भी कस्टमाइजेशन मतलब जो भी सेटिंग्स होता है फ्रेंड्स आप यहां से अपने क्रोम ब्राउजर से आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स अब हम अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम ब्राउजर में कैसे ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बगल में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।